व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग क्या है, प्रोसेस क्या है और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कैसे की जाती है, उसकी पूरी जो तफसील है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी एरिया में ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले उस एरिया की डिसीजन लेनी पड़ती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है कि यहाँ पर हमें वो जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट करनी होगी और वो रोड कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पर ख़त्म होगी और वो कौन सी एरियाज को इंटरलिंक करेगी। तो जब हम ये डिसीजन अपने माइंड में फिट करके उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम उस एरिया की सर्वे करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे कि ये जो लैंड है वो सपोर्टेड है या नहीं है और ये जो लैंड है वो रोड बनाने के काबिल है या नहीं है। उसके बाद हम वहाँ पर उस एरिया की जो डेटा निकाली है उसके मुताबिक हम फिर देखेंगे कि उस एरिया में जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो क्या है, ट्रेवल डिमांड क्या है, वहाँ पर उनकी जो व्हीकल्स की उनके जो आने जाने की जो सिस्टम है वो ज़्यादा है, कम है या मिडिल है, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तो उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो बजट है तो वो बजट क्या है, उस बजट के मुताबिक हमें काम करना पड़ेगा। और रेजिडेंशियल डेंसिटी क्या है उस एरिया की जहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं इन फैक्टर्स को हम मद्देनज़र रखते हुए फिर प्लानिंग की तरफ जाते हैं। फिर सर्विंग की जो डेटा निकाली जाती है वो डेटा लेकर हम रोड की डिज़ाइनिंग करते हैं। फिर जब डिज़ाइन करके उसकी जो वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं तो उसके मुताबिक हम काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है प्लानिंग। कभी भी अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलती है ट्रांसपोर्टेशन में तो रोड की जो कंस्ट्रक्शन होती है कि तो उसकी जो प्रोसेस है वो ये है।